अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जावेद इकबाल एवान। आज की जो ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एनजीओ के ऊपर एनजीओ के टॉपिक पे अगर कोई वेबसाइट बनानी पड़ जाए या वेब एप्लीकेशन एमबीसी पे, स्पेशली मैं एमबीसी के लिए ये मैंने डेटाबेस स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया कि अगर हमें डीबी फर्स्ट के अप्रोच को यूज़ करना हो और हमें डेटाबेस पहले क्रिएट करना हो एनजीओ के लिए, तो क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि एनजीओ की एक इसमें वो डोनेशन भी दे सके, यूज़र की टैब्स भी हो, और इसके अलावा जो हम इसमें एक्टिविटी भी अपनी शो कर सकें, अपने बारे में डिटेल भी दे सकें, और वो पेमेंट की ट्रांजेक्शन वगैरह में उसमें देना चाहते हैं, तो इस पर्पस के लिए जो डेटाबेस क्रिएट होगा वो मैं डिस्कस करूँगा। मैंने जैसे डेटाबेस बनाया उसका नाम मैंने डीबी एनजीओ रखा, आप कोई भी आप रख लें। एक टेबल मैं इसके अंदर बना रहा हूँ जिसमें यूज़र टाइप दे रहा हूँ, जिसमें यूज़र की टाइप मैं असाइन करूँगा, टाइप का नाम होगा वो एक्टिव होगा या डिलीटेड होगा, और उसके अंदर मैं प्राइमरी की रखूँगा, वो आईडी की कॉलम को हम प्राइमरी की रखेंगे। ये तो ऑटो वो क्रिएट कर देता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिज़ाइन मोड से बनाते हैं या नॉर्मली बनाते हैं तो इसमें प्राइमरी की आपको जो है आईडी को हम प्राइमरी की रखेंगे। इसी तरह दूसरा टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम डोनेशन के कॉज, डोनेशन किस मकसद के लिए दिया जा रहा है उसके लिए हम जो है वो टेबल बनाएंगे, और उसमें भी मैं प्राइमरी की आईडी को रखूँगा। इसी तरीके से एक एक्टिविटी के नाम से एक टेबल बनेगा जिसमें हम अपनी एक्टिविटी वगैरह शो करेंगे और कहाँ पर उसको डोनेशन यूज़ किया जा रहा है, कहाँ खर्च किया जा रहा है, और उसकी पिक्चर्स वगैरह भी मैं असाइन करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, उसमें भी मैं आईडी को जो है प्राइमरी की असाइन करूँगा। और गैलरी के नाम से भी जो एक पेज बनाऊँगा जिसके अंदर जो है मैं गैलरी में पिक्चर्स होंगे और उसमें टाइटल भी साथ में मैं असाइन करूँगा। उसके लिए टीबीएल अंडरस्कोर गैलरी के नाम से टेबल बनेगा और उसमें मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन कर रहा हूँ। फिर पोजीशन के नाम से बनाऊंगा और उसमें भी जो है वो टीबीएल अंडरस्कोर पोजीशन के नाम से टेबल बनेगा और वहाँ पर भी आईडी को मैं प्राइमरी की असाइन कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो हमारे पार्टनर्स होंगे, एनजीओ के जो पार्टनर्स होंगे, जो परमानेंट पार्टनर्स होंगे, उसके लिए टीबीएल अंडरस्कोर पार्टनर के नाम से जो है वो टेबल क्रिएट होगा और उसमें पार्टनर का नाम, उसकी वेबसाइट, लोगो, डिस्क्रिप्शन और एक्टिव है या डिलीटेड है वो हम पास कर देंगे, उसमें भी मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन करूँगा। इसी तरीके से आवर अचीवमेंट से हमने क्या अचीव किया है उसके ऊपर एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें अपनी अचीवमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी, डेट टाइम दूंगा मैं, पिक्चर आएगी उसके अंदर अचीवमेंट की, और अचीवमेंट को नाम देंगे, टाइटल हम पास करेंगे, उसमें भी मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन करूंगा। इसी तरीके से एक एनजीओ के नाम से जो है वो टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम एनजीओ का नाम हो गया, ईमेल आईडी होगी, लोगो हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वेबसाइट आ गई, फिर डोनेशन का कॉस्ट आ जाएगा, फिर एक्टिव है, इस चीज़ में टेबल क्रिएट किया है मैंने टीबी अंडरस्कोर एनजीओ के नाम से, इसमें मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन कर रहा हूँ। इसी तरीके से यूज़र्स के लिए एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें टीबीएल यूज़र्स के नाम से टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें आईडी होगी, यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यूज़र की आईडी होगी, उसका फुल नेम हो गया, पिक्चर हो गई, ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गया, यूज़र की टाइप हमारे पास आ जाएगी जो हम ऊपर टाइप के साथ मैच करेंगे, टाइप के टेबल के साथ, वो उसमें भी जो है वो मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो फिर जो है वो एक टीम मेंबर के नाम से हम टेबल क्रिएट मैंने किया है जिसमें आईडी होगा, नेम हो गया, पोजीशन है, पिक्चर्स है, डिस्क्रिप्शन है, और इसमें भी मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए भी टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी डेटाबेस से क्वेश्चन आंसर में उठाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी जो है वो आईडी हो गया, यूज़र है, क्वेश्चन है, उसका आंसर है, डेट टाइम है, एक्टिव है, और उसमें भी मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो है वो इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ मैं शो करना चाहता हूँ, उसके लिए भी जो है मैंने टेबल क्रिएट किया इंटरेस्ट एक्टिविटी के नाम से, उसमें भी एक्टिविटी हो गया, मैसेज हो गया, डेट टाइम हो गया, ये मैं अपनी एक्टिविटी वगैरह इसमें मैनेज करूँगा, सेव करूँगा, उसके लिए भी जो है मैंने एक टेबल क्रिएट किया, उसमें भी आईडी को मैंने प्राइमरी की असाइन किया। इसी तरह डोनेशन का कॉज, एनजीओ की डोनेशन किस मकसद की दी जा रही है और उसके लिए भी एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें डोनेशन की कॉज आ गई, एनजीओ हो गया जो हमारे पास जो है ऑलरेडी हम ऊपर टेबल इसका क्रिएट कर चुके हैं और उसमें भी मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन कर रहा हूँ। इसी तरीके से डोनेशन के नाम से अलग से एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें डोनेशन की इन्फॉर्मेशन सारी इसमें पास कर दूँगा, उसमें भी जो है वो यूज़र जो डोनेशन दे रहा है उसके एनजीओ है, डोनेशन की कॉज हो गई, डेट टाइम हो गई, अमाउंट हो गई, और वो एक्टिव और डिलीटेड वगैरह, इसमें भी आईडी को मैंने प्राइमरी की असाइन किया। फिर फॉरेन की के लिए मैंने सारी चीज़ें अलग अलग लिख दिया है ताकि आप आसानी से फॉरेन की कर सकें। अब यहाँ पे फॉरेन की जो हमारे पास बनेगा, मैंने ऑल्टर की कमांड यूज़ की है और उसमें हम जो है वो डोनेशन कॉज के अंदर जो है वो फील्ड को हम फॉरेन की असाइन करेंगे टीबीएल डोनेशन के अंदर, और उसमें जो प्राइमरी की होगी वो हमारी डोनेशन कॉज के अंदर आईडी जो है हमारी प्राइमरी की होगी। डोनेशन के टेबल के अंदर डोनेशन कॉज हमारी कॉलम होगा,
वो हमारा फॉरेन की हो गया, और उसकी जो प्राइमरी की जैसे रेफरेंस लेगी वो डोनेशन कॉस्ट की जो टेबल है उसके अंदर आईडी का जो कॉलम है वो रेफरेंस लेगा। इसी तरीके से डोनेशन की टेबल के अंदर एनजीओ जो है वो प्राइम फॉरेन की होगी, और टीबीएल एनजीओ के अंदर आईडी जो है उसकी प्राइमरी की होगी। यूज़र के अंदर यूज़र जो है वो फॉरेन की होगा, डोनेशन के टेबल में यूज़र फॉरेन की होगा, और टीबीएल यूज़र्स के अंदर आईडी उसकी प्राइमरी की होगी। इसी तरीके से डोनेशन कॉज जो है वो डोनेशन कॉज एनजीओ के टेबल के अंदर डोनेशन कॉज को मैं फॉरेन की असाइन कर रहा हूँ, और उसकी जो प्राइमरी की होगी रेफरेंस जो है प्राइमरी की जो होगी वो डोनेशन कॉज के अंदर आईडी के नाम से जो कॉलम है वो प्राइमरी की होगी। इसी तरीके से डोनेशन कॉज एनजीओ के टेबल के अंदर एनजीओ को मैं फॉरेन की असाइन कर रहा हूँ, और उसका प्राइमरी की का रेफरेंस होगा एनजीओ के टेबल के अंदर आईडी के कॉलम को। इसी तरीके से इंसर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़र को जो है मैं प्राइम फॉरेन की बना रहा हूँ, और उसका वो रेफरेंस लेगा प्राइमरी की का टीवीएल यूज़र्स के अंदर आईडी के कॉलम को। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे एनजीओ के टेबल के अंदर डोनेशन कॉस्ट की जो जो कॉलम है उसको मैं फॉरेन की बना रहा हूँ, और वो रेफरेंस लेगा प्राइमरी की का डोनेशन कॉस्ट के टेबल के अंदर आईडी के कॉलम से। फिर से क्वेश्चन आंसरिंग के टेबल के अंदर मैं यूज़र को जो है फॉरेन की असाइन कर रहा हूँ, और टीबीएल यूज़र्स के अंदर आईडी जो होगी उसकी प्राइमरी की होगी। इसी तरीके से टीम मेंबर्स के अंदर जो है वो पोजीशंस को मैं फॉरेन की असाइन कर रहा हूँ, और वो टीबीएल पोजीशंस के अंदर आईडी जो है उसकी प्राइमरी की होगी। इसी तरीके टीबीएल यूज़र्स के अंदर यूज़र टाइप मैं फॉरेन की असाइन कर रहा हूँ, और यूज़र टाइप जो है यूज़र टाइप के टेबल्स के अंदर आईडी जो होगी वो उसकी प्राइमरी की होगी। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बना रहे हैं, और इसके अगेंस्ट में जो है आप आसानी से एनजीओ की एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसमें खासकर जो एनजीओ के लिए कंपलसरी चीज़ें हैं हम इसके अंदर असाइन कर देंगे, और एक कंप्लीट एप्लीकेशन हमारी एनजीओ की बन जाएगी, जिसमें हम ये डोनेशन वगैरह की सबमिशन वगैरह सब कर सकते हैं। एमबीसी के लिए ये आई थिंक बेहतर सूट है, और थोड़ा सिंपल मैंने इसको बनाया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। तो आई होप कि आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, देन आप जो है वो कमेंट्स करके मुझसे या मुझसे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं इस बारे में।